क्या पढ़ रहे थे रे? पिछले क्लास में लॉज ऑफ मोशन तो खत्म कर दिए थे, बैंकिंग वैंकिंग सब पढ़ा दिए थे। आज अपने को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड वर्क पावर एंड एनर्जी। वन क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। पढ़ो रे जरा, क्या है क्वेश्चन अब तक हम? A rope of length 5 meter is kept in frictionless surface and force of 5 newton is applied to one of its end. Find tension in the rope at 1 meter from this end. देखो देखो क्या होगा कि ये एक ऐसा हॉरिजेंटल ग्राउंड है, इसमें एक ऐसा रस्सी पड़ा हुआ है ना, इस रस्सी का मास बताओ रे, मास बताओ, डाटा बताओ। सर मास नहीं दिया है, फोर्स दिया है 5 न्यूटन ऑन इट्स एंड, 5 न्यूटन मान लेते हैं। इसका लेंथ कितना दिया है? और इसका लेंथ दिया है 5 5 मीटर, 5 मीटर। हमें टेंशन बताना कहाँ पे, यहाँ से 1 मीटर वन दूर है, मीटर सर। ठीक है? तो देखो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं मास ऑफ रस्सी कितना एम, तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, एम बाय एम, ठीक है? अब ये लेंथ अगर यहां से यहां 1 मीटर है और ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर, तो इसका मास क्या हो जाएगा, एम बाई फाइव, और इसका मास क्या हो जाएगा, 4m/5। सही है, सही ना? यस अब ये जो पोर्शन है सर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसको कौन खींच रहा होगा, ये वाला पोर्शन है ना, इसको कौन खींच रहा होगा, टेंशन। सो टेंशन इज इक्वल टू इसका मास कितना है, एम बाई फाइव इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा एम बाई फाइव और ये एफ बाई एम, एम एम कट गया, दिस इज इक्वल टू एफ बाई फाइव, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सही है, यस सर। समझ में आया? जल्दी जल्दी बोलते चलो। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास मान लो एम है, जब ये ऊपर जाता है, ए से जाता है ना, ए से ऊपर जाता है, तो टेंशन क्या होता है, T1। तो इसका इक्वेशन बनेगा, T1 ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, इक्वेशन बनेगा T1 - mg = ma, पहला, ठीक है? हाँ और जब ये नीचे जाता है a एक्सलरेशन से, तो टेंशन क्या हो जाता है, T2, तो इक्वेशन क्या बनेगा, अब इसमें एक्सलरेशन तो ऊपर है, इसमें एक्सलरेशन नीचे, इसका इक्वेशन बनेगा mg - T2 = ma, सेकेंड इक्वेशन। सही है, और हम यहां से सर, बोलेंगे T2 is mg - ma, और यहाँ हो जाएगा T1 = mg + ma। सही है, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो T1 + T2 is 2mg और mg = T1 + T2/2। सही है, ठीक है, हाँ फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिए, अब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दे, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 - T2 mg mg कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 ma, और यहां से आएगा ma is T1 - T2 by। अब हमें हाँ mg भी पता है और ma भी पता है, अब क्या होता है कि अगर ये पार्टिकल हॉरिजेंटल चल रहा होता है तो धागा ऐसा हो जाता, ठीक है, और इसका वेट क्या लगेगा, mg, और टेंशन मान लेते हैं T3, तो टेंशन तो ऐसा लगेगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, सही, तो T cos थीटा क्या हो जाएगा, T cos थीटा = mg हो जाएगा ना, T cos थीटा = mg एंड T sin थीटा = ma, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, T3 = √mg² + ma². सही है, mg का हाँ वैल्यू तो है, यहाँ रख देना, it is T1 + T2/2, ठीक है, सर, और ये हो जाएगा T1 - T2/2। सही है, ये हाँ आ सर, जाएगा, ठीक है, सो T3 आ जाएगा, ये 2 1 2, ये it is I think √, तो 2 और 2 तो कट जाएगा, 1 2, ये 4 हो जाएगा एक्चुअली, है ना, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर बाकी सब चीज तो सही है, इसको ऐसा कर दो, तुम सॉल्व करके देख लेना ना, हम तो ऐसे अंदाजा बता दिए भाई, सही है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर है, समझ गए? ये स्क्वायर के अंदर है ना, तो ये 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ 2T1 + 2T2, तो 2 2 कट जाएगा, 2 रूट के अंदर आ जाएगा, समझ में आया? हाँ सर, चलो बोलो, सही तो आप, हाँ सर, यही है, कुछ और है? यही है सर। देखो एक ब्लॉक ऐसे रखे ना, हम शॉर्टकट में कर दिए, शॉर्टकट क्या है ना कि आ जाएगा, तुमको धीरे धीरे टाइम लगता हो, ये ऐसा ब्लॉक पड़ा हुआ,
ठीक है। अब देखो इधर क्या फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा, और ये a से जा रहा, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे टेंशन t मान लिया, इसका इक्वेशन लिख दिया mg sin थीटा माइनस t बराबर m a, और इसको कौन खींच रहा है, हाँ। इसका बनेगा t इज इक्वल टू m a, सही, m a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस t बराबर m a बराबर t, सो t बराबर mg sin थीटा बाई टू हो तो गया, सही। ये क्वेश्चन नंबर 14 था रे, आगे बोलो, एकदम आसान क्वेश्चन है सर, कोई ऐसा भारी नहीं है, लॉजिक होती नहीं एक्चुअली, जरा सा तो चीज है, बोलो आगे। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर mg sin थीटा इसको इधर खींच रहा होगा और mg cos थीटा से नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? हां सर, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो बन गई थी, वो सेकंड में मुझे समझ, सेकंड ये देखो a से इधर जा रहा, इधर पे t लगेगा तो वो उसके अपोजिट कोई, अरे t लगेगा तो एक्सेलरेट होगा ना, अपोजिट लगेगा तो बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस थोड़ी है, तो आगे चल रहा है ना इसके साथ, ये यहाँ से यहाँ तक धागे से बंधा हुआ ना रे, तो ये अगर x मीटर आगे चलेगा तो ये भी तो x आगे चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन भी a रहेगा, तो t बराबर है में, ये तो इसका तो और आसान है, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। आज से स्टार्ट कर देते, दिस इज आवर अगला चैप्टर, तुम लोग को टेस्ट कब देना है लॉज ऑफ मोशन का, वर्क डन बाय फोर्स इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज, इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, वर्क डन मैकेनिकल वर्क का बात करते हैं, समझ में आया? मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है वो वर्क जो फोर्स से डिफाइंड होता है, ठीक है, समझ गए? जैसे मान लो वर्क है एनर्जी या पावर, इस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, तो इसमें हम लोग मैकेनिकल वर्क का बात करते हैं, सही, समझ गए? जैसे तुम लोग बैठ के खाना खा रहे हो तो बोलो कोई काम कर रहे हो तो बोलो हाँ खा रहा था आराम को बैठ के, तो वो खा रहा था तुम्हारे लिए वर्क है, खाना बहुत बड़ा काम हो गया है कि नहीं, ठीक है, बट के सेंस में वर्क डन जो डिफाइंड है वो मैकेनिकल वर्क का बात होता है, वर्क डन इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, बस इतना ही समझना, एफ क्या है फोर्स, डी एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है कि जैसे ये आदमी है, ये आदमी दिख रहा है तुमको, गधा दिख रहा है, आदमी है, आदमी है, ये आदमी फोर्स लगा रहा मान लो, ठीक है, ये आदमी फोर्स लगा के खींच रहा रस्सी से इसको, ठीक है, और अगर ये ब्लॉक जरा सा चला, मान लो कितना चला, डीएस, डीएस बहुत जरा सा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट और डीएस के बीच ये एंगल थीटा है, सो वर्क डन बाय मैन इज एफ इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा होता है, समझ में आ, वर्क डन इज एक्चुअली ए स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको कि हम लोग जूल भी बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है, इसका यूनिट होता है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन भी अपने को थोड़ा पढ़ना रहेगा, तो ये यूनिट याद रखना है, वर्क डन इज एफ डॉट डी एस, ठीक है, इज एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और ये यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम लोग जूल बोलेंगे और कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ गए, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स जो है जूल से बताते, समझ गए, ये जो वर्क डन है, जैसे मान लो ये आदमी खींच रहा, अगर ये ब्लॉक नहीं चलता तो डीएस क्या हो जाएगा, जीरो, और उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आया, ठीक है, वर्क डन जो होता है, जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एफ डॉट डीएस करेंगे या एफ इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा करेंगे, बट थीटा क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा, सही, ठीक है, ये जो वर्क डन है ये जिस समय फोर्स लगा उसी समय का डिस्प्लेसमेंट है और उसी समय का एंगल, समझ गए, ये ध्यान रखना, जिस समय फोर्स लगा, जहां पे फोर्स लगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है और उसी समय का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स आज लगा और डिस्प्लेसमेंट कल का देख, समझ में आया क्या, ठीक है, सो वर्क डन जो है एफ इंटू डी एस, इसमें क्या है F, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये जो F है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ठीक है, ds क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, सो वर्क डन जो है cos थीटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है,
ठीक है। सो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरा निगेटिव भी हो सकता है और तीसरा जीरो भी हो सकता है। सही कि अगर थीटा जीरो और 90 के बीच है, ठीक है, थीटा अगर जीरो से बड़ा और 90 से छोटा है, ठीक है, समझ में आया, तो इसका मतलब ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, जीरो से 180 के बीच होता है, देन द वर्क डन इज नेगेटिव। बट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब हम फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो उस सिचुएशन में वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, जीरो। समझ में आया, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो उस फोर्स का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। सही, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 0 से लेके 90 तक कुछ भी है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। समझ गए? अरे सही रे, बोलते क्या नहीं हो रे? हां सर, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्क का बेसिक कहानी। अब बस यही तीन चीज अपने को समझना आज का काम, बस इतना ही है, ठीक है। जहां पे फोर्स लगा उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और उसी समय का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन, पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं, ये भारी क्वेश्चन है थोड़ा, मान लो, ठीक है। अभी हम पहले एफ डॉट डी एस का बात करते हैं, वर्क डन जो डिफाइंड है एफ डॉट डी एस, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट तुम लोग को शायद याद होगा, आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है is 1, k dot k क्या होता है is also 1, ठीक है, i dot j 0, i dot k 0, j dot k 0, दो dissimilar unit vector के बीच का dot product क्या होता है, हमेशा 0, ठीक है। तो पहला question मेरा ये है, ठीक है, कि एक force लग रहा है, force is given by f not i क्या, f not क्या है इसका, magnitude और direction किधर है रे, i क्या, एक कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है। अब हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मान लो ये फोर्स के कारण ये पार्टिकल यहां से चलते चलते कहां पहुंचा, जीरो से चलते चलते ए डिस्टेंस दूर पहुंचा यहां, और फिर यहां से ऊपर चलते चलते यहां पहुंच गया, ये पॉइंट P है मान लो, इसका कोऑर्डिनेट है a, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल दूरी भी a है और वर्टिकल दूरी भी है, इस रास्ते से गया O से P, ठीक है, O से P पहले हॉरिजॉन्टल चला और फिर वर्टिकल चला, मतलब दो रास्ता है, पहला रास्ता और दूसरा रास्ता। अब हमें वर्क डन निकालना इस फोर्स का, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो अब देखो हम वर्क डन बता रहे कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट है तो इसको हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए, तो हम पहला बात करेंगे ओ से ए तक, पहला स्टेप का बात करेंगे, ओ से ए तक फोर्स हर जगह क्या लग रहा है, ठीक है, एफ नॉट आई क्या, फोर्स तो कांस्टेंट है। अब ये पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डीएस, डीएस जो होगा डीएक्स, और किधर होगा ये आई क्या, देखो तो इधर ही जा रहा है ना, अगर हम इस डिस्टेंस को बोले x और इस डिस्टेंस को बोले dx, क्योंकि x डायरेक्शन में तो इसको dx बोलेंगे और dx का डायरेक्शन क्या होगा, i कैप, समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, फोर्स हमारा होगा f नॉट i कैप और डिस्प्लेसमेंट होगा dx i कैप, सो dw हमारा होगा दैट इज इक्वल टू f डॉट ds, f क्या हो जाएगा, f नॉट i कैप, डॉट डीएस क्या हो जाएगा, डीएक्स आई कैप, सो डीडब्ल्यू वन, ये पहला वर्क डन, हम ओ से ए तक का बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एफ नॉट डीएक्स, और ये आई डॉट आई, दिस इज आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, सो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू डीएक्स, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, वन, क्लियर है, अरे बोलते हैं, ठीक है, सो dw1 जो हमारा हो गया f0 into dx,
और इसको जोड़ देते हैं, जोड़ देते मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, जीरो से ए तक, कहां से कहां तक ले गए, धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ाते बढ़ाते जीरो से कितना दूर आ गए, ए डिस्टेंस दूर आ गए, सही है। सो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू वन इज एफ नॉट इंटू दिस इज ए जूल, क्लियर है? यस सर। बोलो रे, तू लोग बोलो रे, संभवी मानसवी। हाँ सर। ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ, ओ से ए तक का वक्र निकाल दिए, अब हम जाएंगे पी ए से पी, ठीक है, अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप में ए टू पी, ठीक है, ए से पी जब जाएंगे तब क्या, तो फोर्स तो हमारा वही है एफ नॉट आई कैप ही है, क्योंकि फोर्स तो चेंज हुआ ही नहीं, फोर्स तो हमेशा एफ नॉट आई कैप ही रहा है, सही है ना, चाहे तुम किधर भी जाओ फोर्स तो हमारा एफ नॉट आई कैप है। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसा लेंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा वाई, और जरा सा और ऊपर चले ये कितना dy, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे dy j cap, सही है, स्मॉल डिस्टेंस कितना है ये dy, और किस डायरेक्शन में है y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन क्या होता है j cap होता है ना, सो यहाँ पर dy j cap, सही है। सो dw हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेप का हम बात करें, dw2 is f dot ds, ये हो जाएगा f not i cap dot ds, मतलब dy j cap, ये हो जाएगा f not dy i dot j cap, it is i dot zero, this is equal to zero, so dw2 क्या हो गया zero, so total work done 2 is also integration of zero is a zero, so w2 क्या हो गया zero, so two, समझ गए, सही है। सो टोटल वर्क डन जो हो गया W टोटल इज W1 प्लस W2, W1 हमारा क्या हो गया F नॉट इनटू A, और W2 क्या हो गया जीरो, सो इट इज F नॉट इनटू A, दिस इज पॉजिटिव, समझ में आ, टोटल वर्क डन जो होगा W1 प्लस W2, ये तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होगा, सही है। तो जब भी क्वेश्चन पूछो उस समय आवाज जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता अब आवाज जा रहा है कि नहीं, हम बार बार चेक करते थे आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा। नाउ ये जो हो गया, ठीक है, अब इसी चीज, ये क्लियर है तुम लोगों को, अब इसी yes, चीज sir. को हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे, ठीक है, हम इसी चीज को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, फिर से हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते, लॉजिक सब यही है, कहानी सब यही है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारा वही कहानी f जो है दैट इज इक्वल टू f नॉट i कैप ही, सही, अब तुम इसमें ध्यान देना, बाद में ये तुमको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे थे, इसमें तीन तरह का वर्क डन हम तुमको बता रहे हैं, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, पार्टिकल o से चल के कहां गया था पहले, यहां पे गया था a पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था a कॉमा जीरो, और फिर यहां से चलते चलते कहां पहुंच गया था p पे, है ना, p पे पहुंच गया था, ठीक है, और p का कोऑर्डिनेट क्या था a कॉमा a था, यहां आ गया था, सही, इस रास्ते से गया था। अब हम क्या करते हैं, फोर्स तो यही है बट पार्टिकल का रास्ता यहां से ऐसे कर देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस पार्टिकल का रास्ता यहां से चल के हम कुछ यहां ऐसे कर देते हैं, सीधा ओ से सीधा कहां गया पी, ठीक है, अब हमें निकालना है कि अगर पार्टिकल ओ से ए और ए से पी नहीं जा रहा, ठीक है, अब हमारा पार्टिकल ओ से पी सीधा जा रहा है एकदम स्ट्रेट ऐसा, देन व्हाट इज द वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स, तो कैसे करेंगे देखो, ठीक है, इसमें फोर्स तो हमारा गिवन है, फोर्स तो बदलना नहीं, इट इज एफ नॉट आई क्या, फोर्स तो यही रहेगा, सही है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, क्योंकि हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये जरा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये क्या हो गया ds, अब जो हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिया है ds, ठीक है, इस ds का अगर देखें तो दो कंपोनेंट होगा, इस ds का दो कंपोनेंट होगा ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये ds हॉरिजॉन्टल और ये dy वर्टिकल, इसको क्या बोलेंगे dx और इसको क्या बोलेंगे d,
dy, क्योंकि हमारा ds वेक्टर ऐसा है, तिरछा है ना, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, थोड़ा बड़ा करके समझाते हैं, खिचड़ी पक गया। ये जो ds है इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, मान लो हमने, क्योंकि जा जब ये ऐसा रहा तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसा लिखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट है, वेक्टर तो ऐसा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा dx और ये कंपोनेंट हो जाएगा dy। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, ds is equal to dx i cap plus dy j cap। ये dx है, ये dy है, ट्राइंगल लॉस ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अगर पाथ सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग था तो डिस्प्लेसमेंट dx i cap लिखे, पाथ अगर सिर्फ y डायरेक्शन में था तो dy j cap लिखे, बट अगर पाथ किसी x और y प्लेन में है तो पाथ ये लिखेंगे ना, dx is dx i cap plus dy j cap। अब हम लिखेंगे dw is f dot ds, so f क्या हो जाएगा, f not i cap, सही है, डॉट ds क्या हो जाएगा, अरे dx i cap plus dy j cap, देखो सही है, और बंद बूंद हो जाए तो लौटे ही हो, सही रहे, ये हमारा हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करते ब्रैकेट को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो तुम लोग को थोड़ा बहुत आता ही होगा, थोड़ा बहुत जो बेसिक तो है, ये बेसिक ही एक्चुअली, ज्यादा भारी नहीं। सो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू dx और फिर i डॉट i, दिस इज i cap डॉट i cap, सही, प्लस एफ नॉट इंटू dy, ये एफ नॉट इंटू dy और ये हो जाएगा i डॉट j, देखो तो सही है। हाँ सर। अब ये जो dw है दैट इज एफ नॉट dx, व्हाट इज i डॉट i, इट इज 1, बट व्हाट इज i डॉट j, 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, जो बचेगा यही बचेगा, और इसको जोड़ देंगे तो एफ नॉट कांस्टेंट है, x कहां से कहां तक गया, अगर ये यहां से यहां जा रहा तो इसका हॉरिजॉन्टल x कोऑर्डिनेट कितना है, टोटल x इज a, यही है ना, देखो ये x होता है ये y होता है, तो x कितना है टोटल a, सो वर्क डन कम्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये टोटल वर्क डन देगा एंड दिस इज एफ नॉट इनटू a, क्योंकि x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 से a गया, y कोऑर्डिनेट भी 0 से a गया, बट हमें सिर्फ किससे मतलब होता है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, सो टोटल वर्क डन हेयर इज ऑल्सो एफ नॉट इनटू a, समझ में आया, न्यूटन मीटर और दैट इज जूल, देखो रे समझ में आया रे, यस सर। तो अपन ने दो चीज पढ़ा, पहला चीज देखो, पहला हमने क्या लिया, दो तरह का फोर्स का वर्क डन अपने को पढ़ना, पहला कि एक है ना वर्क डन जो अपने को पढ़ना है, पहला है कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, दूसरा वर्क डन पढ़ना है वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, ठीक, कांस्टेंट फोर्स में दो तरह का, स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन है ना, समझ में आ, इसमें भी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, समझ गए, कांस्टेंट फोर्स का स्ट्रेट लाइन में है और अगर कर्व लाइन है तब कैसे करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे करेंगे, अभी हमने तुम्हें बताया कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये था, एक स्ट्रेट लाइन ये था और ये एक स्ट्रेट लाइन ये, कर्व लाइन थोड़ा भारी होता है, वो थोड़ा आगे इसका बेस बनाने के बाद बताएंगे, सही है, तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तुम्हें बताया दो अलग अलग सिचुएशन, ठीक है, दो अलग अलग पाथ से, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और एक तिरछे, समझ गए, अब हम आते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल, ठीक है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, कि दो अलग अलग रास्ता है, ये पहला क्वेश्चन है, पहला पे हम लोग फोकस करें, एक फोर्स है एफ विच इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई क्या, ठीक है, अल्फा तो पॉजिटिव कांस्टेंट है बट एक्स रिप्रेजेंट्स द एक्स कोऑर्डिनेट, समझ में आया, एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और फोर्स किधर है, हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अब हम पार्टिकल को कैसे ले गए, पहले ओ से पी ले गए और फिर पी से क्यू ले गए, पहले ओ टू पी एंड देन पी टू, तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, अब ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल, वेरिएबल है ना, बदल रहा है ना, देखो एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगा, एक्स वन है तो फोर्स अल्फा, एक्स टू है तो फोर्स टू अल्फा है ना, yes, sir. समझ गए क्या, तो अलग अलग एक्स के लिए फोर्स क्या है, अलग अलग मतलब फोर्स कैसा है,
तो ये हमारा हो गया f इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई कैप, ये दिया हुआ है। पहला पार्ट हम लोग बात करेंगे पहले ओ से पी, ठीक है, ओ से पी जाते हैं। जब अरे नहीं सर, वो खांसी आ रहा था, सॉरी। खांस तो भी हो तू गजा कहीं का, तो खांस तो चिल्लाने लगता तो बाप बाप ऐसा नहीं नहीं। ओ से पी जब हम बात करेंगे तो फोर्स हो जाएगा दैट इज अल्फा एक्स आई क्या, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डी एक्स आई क्या, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है, सही है। जो भी स्टेप समझ में नहीं आएगा बोल दियो, क्योंकि ये फोर्स का, ये वर्कडन का स्टार्टिंग है और आगे चल के वर्कडन भारी हो जाता है, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही अपने को अलर्ट रहना है। जो भी नहीं समझ में बोल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ओ से पी तक के लिए डिस्प्लेसमेंट किधर रहेगा, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो डी डब्ल्यू वन ओ से पी तक के लिए है ना, इज एफ डॉट डी एस। एफ क्या है, अल्फा एक्स आई कैप डॉट डी एस मतलब डी एक्स आई कैप, आई डॉट आई क्या हो जाएगा वन। सो डी डब्ल्यू क्या हो गया, अल्फा एक्स डी एक्स, देखो रे सही रे, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई वन, इतना हो गया। और इसको जोड़ देते हैं तो एक्स का वैल्यू जीरो से ए तक, देखो एक्स बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया, ए तक, है ना। सो ये हो जाएगा डब्ल्यू वन इज अल्फा ए स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये जीरो से ए तक, समझते हो ये। तो एक बार ए पुट करेंगे स्क्वायर बाय टू, जीरो स्क्वायर बाय टू, तो ये तो खत्म ही हो गया है, स्क्वायर बाय टू, सही है। सो वर्क डन वन इज ए स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर बाय टू। इसी तरह से अब हम चलते हैं पी से, जब पी से क्यू जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, अब पी से क्यू जा रहे तो फोर्स क्या लिखे बोलो, अल्फा एक्स जी के, अल्फा ए जे के। देखो इस पाथ पे हर जगह x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, देखो यहाँ पर भी x बराबर क्या है a, यहाँ पर भी x बराबर क्या है a, यहाँ पर भी x क्या है a, इसमें हर जगह x का वैल्यू क्या है, p टू q के लिए x बराबर क्या रहेगा a, देखो तो कहीं बदला क्या। जब हम इस रास्ते पे पार्टिकल को ले जा रहे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट हर जगह क्या है, x है या a है, a है। So for P to Q, देखो नहीं बोलोगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। For P to Q, X is always equal to क्या, A, सही है। So F का वैल्यू हम अल्फा X J cap ना लिख करके, J cap कैसे, फोर्स तो I cap ही ना रहेगा, फोर्स तो जो दिया हुआ है वही ना रहेगा, इट इज अल्फा A I cap, बट X के जगह पे क्या रखना होगा, A, ठीक है। एंड DS क्या हो जाएगा, क्योंकि ये y डायरेक्शन में जा रहा है तो ये किधर जाएगा, दिस इज डी वाई जे क्या, ठीक है। सो डी डब्ल्यू टू हो जाएगा f डॉट डी एस, इट इज अल्फा a डी वाई, एंड दिस इज i डॉट j, व्हाट इज i डॉट j, सो डी डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा जीरो, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो w क्या हो जाएगा जीरो, समझ में आया, जीरो। तो पहला पार्ट का टोटल वर्क डन जो हुआ W1 प्लस W2, ठीक है, सही है, क्लियर है रे तू लोगों को, देखो यस। अब इसको दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट मतलब सीधा O से Q ले गए थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, ऐसे और ऐसे घूम करके ना, ये समझ में आया क्या। इसमें देखो फोर्स क्या है, वेरिएबल, दो अलग अलग रास्ते से गए तो दो बार हमने कैलकुलेट किया। पहला क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट है ना, पहला क्वेश्चन में हमारा दो अलग अलग पार्ट है, ओ से पी तो वर्क डन इतना, पी से क्यू देन वर्क डन इज जीरो, समझ में आया। ओ से पी में वर्क डन इतना है और पी से क्यू में वर्क डन जीरो है, समझ गया। बट टोटल वर्क डन तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू स्केलर जैसा जुड़ता है या घटता है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी, समझ गए, क्लियर है। अब जरा लॉग इन करो फिर हम अगले क्वेश्चन में आए, चलो देखो बताया, अरे कौन सर सर कर रहा है, चुप बैठो भाई, एक लपड़ मारेंगे। अब देखो अगला कहानी, पहले इसको हम पढ़ा लो उसके बाद टेस्ट वेस्ट का बात में करेंगे, मिटा दे इसको कि डाउट है किसी स्टेप में, नो सर। अब चलते अपन सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या है कि सीधा हम यहाँ से चलते हुए
इस पार्टिकल को यहां ले गए थ्रू दिस रास्ता, तो फोर्स तो हमारा यही रहा, फोर्स इज अल्फा एक्स आई, क्या फोर्स में तो चेंज है नहीं, बट रास्ता हमारा कैसा हो गया, डीएस ऐसा है। अब इस डीएस को क्या लिखे, क्योंकि ये डीएस अगर ऐसा है तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दिस इज डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप, सही है, ये डीएस ऐसा है ना, तो इस डीएस का एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ये डीएस है, ये छोटे से डीएस का हमने फिगर बनाया, बराबर है, ठीक है, ये सही है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल होगा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट और एक वर्टिकल होगा, डीएस इज डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप, क्लियर है। इसी तरह से अब हम लिखेंगे डब्ल्यू इज एफ डॉट डीएस, एफ मतलब अल्फा एक्स आई कैप, डॉट डीएस मतलब डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं डीएक्स, ये तीन टर्म हो गया स्केलर, और फिर आई डॉट आई, फिर हो जाएगा अल्फा एक्स डीवाई, और फिर हो जाएगा आई डॉट जे, सही है, तो आई डॉट आई तो वन होता है, सो डी डब्ल्यू हमारा हो जाएगा अल्फा एक्स डीएक्स, और आई डॉट जे क्या होता है जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, सही है, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो x कहां से कहां तक, x देखो जीरो से a तक, सो इट इज अल्फा a स्क्वायर बाई 2 जूल, दिस इज द आंसर, समझ में आया रे, अरे सही, बी पार्ट का सेकंड पार्ट का आंसर भी वही है जो ए पार्ट का था, देखो ए पार्ट में भी आंसर वही था और बी पार्ट में भी आंसर वही है, बट हमने ये नहीं बोला कि आंसर हमेशा यही रहे, ठीक है। फोर्स जो है अलग अलग रात, दो तरह का फोर्स होता है, ठीक है, एक में वर्क डन जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जो अभी तो हम लोग किए, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा उसमें हमने देखा कि पार्टिकल को ओ से क्यू हम इस रास्ते से ले जा रहे तब भी वर्क डन वही आता है, सीधा ले जाते हैं तब भी वर्क डन वही होता है, हो रहा है ना, ठीक है। इस तरह का फोर्स एक होता, दो तरह का फोर्स बेसिकली होता है, एक का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, अलग अलग रास्ते से अलग अलग वर्क डन, और एक का वर्क डन किसी भी रास्ते से जाओगे तो वर्क डन सेम रहेगा, समझ में आया क्या, अरे सही, ठीक है मनस्वी संभवी, यस सर, हाँ सर। तो ये दो तरह का वर्क होता है, पहला जिसका वर्क डन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस वर्क का, इस फोर्स का जो वर्क है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इफ द वर्क डन बाय फोर्स इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, ये हम लिखवाएंगे आगे, ठीक है। अगर वर्क डन अलग अलग रास्ते से अलग अलग होता है दो पॉइंट के बीच देन दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, समझ में आया, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, जैसे स्प्रिंग का फोर्स है तो स्प्रिंग का फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, समझ गए, ठीक है। बट जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया तो फ्रिक्शन इज एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव, धागे का टेंशन हो गया नॉन कंजर्वेटिव, समझ गए, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्लियर है तुमको ये पहला क्वेश्चन, फिर सो गए, yes, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हमने अलग करा है। अब देखो फोर्स जो दिया गया है F, that is equal to alpha x j cap, अब हमने सब कुछ वही रखा बट फोर्स को हॉरिजॉन्टल लेके किधर लिए है वर्टिकल, अरे बोलते का नहीं, अरे फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल लेके j डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लिया, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है O से A, then from A to B, ठीक है, पहला स्टेप में O से A गया वर्क डन क्या हुआ W1, फिर A से B गया तो वर्क डन क्या हुआ W2, W1 और W2 दोनों निकालना है, ठीक है, या तुम बोलो कि टोटल वर्क डन निकालना है। अब ये वेरिएबल फोर्स है, सारा लॉजिक वही है जो हम लोग पढ़े हैं, कुछ नया नहीं है, तुम लोग ट्राई करो,
ये तुम लोग के लिए है रे, W1 बताओ और W2 बताओ, सारा लॉजिक वही है। देखो क्वेश्चन का डाटा तक सब वही लिए हैं, बस I के जगह क्या रख दिए हैं, J। अरे है ना, I के जगह हमने J रखा है, बाकी सब कुछ सेम है, अल्फा वही, X वही, बस I कैप के जगह पे J का कितना रहा, W1 कितना रहा है, W1 तो जीरो आ रहा है, W2 अल्फा इज, W1 इज जीरो। अगर तुम देखोगे तो कैसे करोगे, देखो ठीक है, जब हम O से देखो रे, बाकी लोग देखो रे, इसने सही बताया, W1 जो आएगा वो जीरो हो जाएगा और W2 हो जाएगा अल्फा ए स्क्वायर बाई, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, O से A चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले O से A चलते हैं, O से A जब चलेंगे तो फोर्स हमारा क्या रहेगा, अल्फा एक्स जे क्या, ठीक है, क्योंकि O से A में x का वैल्यू बदलता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, dxi क्या, हम तो इधर O से A में तो किधर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, भले ही फोर्स इधर लग रहा होगा बट डिस्प्लेसमेंट किधर रहेगा, हॉरिजॉन्टल सही है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं dw1 इज f डॉट ds, तो dw1 हमारा हो जाएगा f, f मतलब अल्फा एक्स जे कैप डॉट डी एस मतलब डी एक्स आई कैप, सही है, जे डॉट आई क्या हो जाता है जीरो, सो अल्फा एक्स डी एक्स जे डॉट आई, और जे डॉट आई क्या हो जाएगा जीरो, सो डब्लू वन इज जीरो, सही है बको, यस सर। इसी तरह से अब डब्लू टू का बात करते हैं, जब डब्लू टू का बात करेंगे, ठीक है, ये W2 तुमने यही बोला ना, W2 का बात करते हैं, तो क्या होगा, A से B तक का हम बात कर रहे हैं, A से B तक का बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा गड़बड़ी है, ये 2 होना नहीं चाहिए था, तो अपन क्या करेंगे, सुनो कि यहाँ पर अगर देखे तो हर जगह X कोऑर्डिनेट क्या है, A, जब हम A से B तक जाएंगे तो X कोऑर्डिनेट बदलेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, अरे यहाँ से X कोऑर्डिनेट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, x is equal to a, तो फोर्स क्या बन जाएगा, f is alpha, x के जगह पे क्या होगा, x तो कांस्टेंट हो गया, तो x j क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ds is dy j क्या, सही है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो dy सही है, वर्क डन हो जाएगा, dw2 is f dot ds is alpha a j क्या dot dy j cap, ये हो जाएगा dw2 is alpha a, ठीक है, alpha a dy, और फिर हो जाएगा j dot j, j dot j क्या होता है, one, so it is alpha a dy, सही है, और अब इसको जोड़ेंगे, और a का वैल्यू तो कांस्टेंट है, it is 0 to y, so dy का इंटीग्रेशन क्या y, so it is alpha a square, this is the answer, यहाँ पर 2 का अंतर हो गया, समझ में आया क्या, बोलो रे, ठीक है, सो वर्क डन इज अल्फा ए स्क्वायर, इसी तरह से समझ गए हो, इसी तरह से अब अपन चलते हैं इधर, ये हमारा फोर्स वही है बट रास्ता बदल दिए, सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का, ए ओ से सीधा बी, ये भी तुम्हें बता चुके, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बताएं, अरे आना, तो क्या करोगे, देखो कि यहाँ पर भी अगर हम देखें, समझ रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पर भी देखें A से, सॉरी O से B तक, तो फोर्स तो हमारा वही है, F is equal to, ठीक है, अल्फा X J cap, अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ऐसा, सो DS हमारा हो जाएगा DXi cap plus DY J cap, ये हमारा DS है, बड़ा सा फोटो बनाते हैं, और ये dx है और ये dy है, सही है, तो यहां से लिख देंगे dw is equal to f dot ds is alpha x j cap dot dx i cap plus dy j cap, so it is alpha x j dot i क्या, जीरो, देखो ये और ये तो जीरो हो जाएगा, so it is j dot j1, देखो रे सही है dw2, yes sir, क्योंकि J और ये I
का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या दूसरा टर्म जे डॉट जे वाला वन, सही है। अब यहाँ पे तकलीफ यह है कि यहाँ पे x और यहाँ dy है, तो हमें x और dy के बीच रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। देखो ये दूरी भी हमारा a है और ये दूरी भी हमारा a, मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये लेंथ भी a है, ये लेंथ भी a है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री ना। अब 90 डिग्री है ना, तो ये और ये जोड़ के 90 होगा, आधा आधा सही, ये एंगल 45 डिग्री होगा। समझ में आया? फिर बाद में तो नहीं बताएंगे हम, पहले बता दे रहे हैं, तुम लोग बहुत चीजों को लाइटली लेते हो। ये एंगल 45, अब अगर ये 45 है तो ये एंगल भी कितना 45, तो हम लिखेंगे इस ट्रायंगल में dy by dx is tan 45 degree, और tan 45 कितना है 1, so dy is equal to ये, सही है। अब यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा x, और dy के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम dx, क्योंकि दोनों बराबर है, so dw2 is alpha x dx, और इसको जोड़ दें x is from 0 to a, so w2 यहां से क्या जाएगा, w2 आ जाएगा alpha a square by, क्लियर है? अरे क्लियर yes, है? देखो अब यहां पर खास चीज देखो क्या हुआ, इस फोर्स में ये जो फोर्स अल्फा एक्स जे कैप, कंक्लूजन देखो क्या हुआ कि हमें o से b जाना था, पहला रास्ता हमने कैसा लिया, पहले हम O से A गए और फिर A से B गए, ऐसा रास्ता लिया हमने, पहले O से A गए और फिर A से B गए, वर्क डन टोटल कितना आया अल्फा A स्क्वायर आया। अब देखो फोर्स वही है, फोर्स तो वही है और पॉइंट भी वही है, बट रास्ता हमने बदल दिया। जब रास्ता बदल दिया तो तुमने देखा फोर्स का वर्क डन क्या हुआ, बदल गया ना। यस सर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने रास्ता बदला था तब भी वर्क डन नहीं बदला था, सिर्फ जे के आई के जगह पे जब हम जे लगा देते हैं, जे कैप लगा देते हैं, तो अलग अलग रास्ते से बी अगर पहुंचेंगे तो वर्क डन अलग अलग हुआ। तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसा नहीं कि हर फोर्स के लिए पाथ से इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर आई कैप होता तो हर रास्ते से वर्क डन सेम होता, बट अगर जे कैप है तो हर रास्ते से वर्क डन अलग अलग होगा। समझ गए हो? बोलो रे। यस यस सर। चलो तब अब इसको अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है।